दिन ढल रहा था और अंधेरा छाया हुआ था एक छोटे से गांव पर। वहां के लोगों के दिलों में एक डर बसा हुआ था, किसी अज्ञात शक्ति के डर से। गांव के पुराने पेड़ों के पास एक पुराना मंदिर था जिसकी दीवारें टूट गई थीं और वहां अजीब गरीब आवाजें सुनाई देती थीं। इसी मंदिर के बारे में कहानी थी जिसे सुनकर लोग रात को आंखें नहीं मिला पाते थे। गांव का युवक राहुल उस मंदिर के बारे में और अधिक जानने का सोच रहा था। उसके मित्र विक्रम ने उसे रोकने की कोशिश की, पर राहुल का जिज्ञासु मन किसी बात को समझने से नहीं रुका। एक रात जब सभी सो चुके थे, राहुल ने एक काली विद्या की किताब ली और मंदिर की ओर बढ़ा। उसने चारों तरफ ज्योतियों को जला दिया और किताब के अनुसार तंत्र मंत्र बोलने लगा। वायु में अजीब गरीब आवाजें सुनाई देने लगी और एक अजीब सी धुंध उसको चारों ओर घेर लिया। राहुल का दिल धड़कने लगा, पर उसने हार नहीं मानी। उसने विक्रम के नाम को पुकार कर धीमी स्वर में आगे बढ़ता गया। मंदिर के भीतर कुछ अजीब गरीब चीजें उसकी नजरों में पड़ी, पर वह दिल से मजबूत था। एक अजीब सी महक फैल गई और एक विशालकाय राक्षस उसके सामने आया। राहुल की हालत खराब होने लगी। उसने जल्दी से मंदिर से बाहर निकलने का निर्णय लिया, पर मंदिर के दरवाजे पर वह फंस गया, जैसे कोई उसको बाहर नहीं निकलने दे रहा था। उसने अपने आप को शांत करने की कोशिश की, पर मन में एक डर बसा हुआ था। उसने चिल्लाने की कोशिश की, पर उसकी आवाजें मुख से ही नहीं निकल रही थीं। उसने कुछ क्षणों के लिए आंखें बंद की और जब उसने खोली तो उसका दिल ठंडा पड़ गया। उसके आसपास सिर्फ अंधेरा छाया हुआ था। राहुल केवल अपने धड़कनों की आवाज को ही सुन पा रहा था और उसने खुद को बिल्कुल खोया हुआ महसूस किया। वह किसी शैतान की गिरफ्त में आ गया था। ये बात पूरे गांव में चिंगारी की तरह फैल गई। कई दिनों के बीत जाने के बाद राहुल के दोस्त विक्रम ने यह प्रण लिया कि वह राहुल को उस काले साए से बचा कर लाएगा। उसने अपनी दोस्त श्रेया को सारी बात बताई। श्रेया भी उसके साथ जाने को राजी हो गई। दोनों मंदिर के पास पहुंचे। इस बड़े गृहस्थ मंदिर की दीवारें जड़ जड़ से बिल्कुल पुरानी और टूटी फूटी दिखती थीं। रात के अंधेरे में चांदनी की रोशनी उस मंदिर पर पड़ रही थी। हालांकि विक्रम एक डरपोक लड़का था जिसे कोई भी अजीब जगह पर रात को जाने की हिम्मत नहीं होती थी। श्रेया उसे हिम्मत की बात करते देख चिढ़ाती रहती थी। वह मंदिर के दरवाजे को छूने से भी डर रहा था। क्या हुआ विक्रम, तुम्हें डर लगता है? श्रेया ने सुनसान मंदिर के सामने खड़े होकर पूछा। हाँ, थोड़ा सा। ये जगह बिल्कुल अजीब है, उसने दबे स्वर में जवाब दिया। अरे डरो मत ना, श्रेया ने हंसते हुए कहा। हम यहां राहुल को बचाने आए हैं। विक्रम और श्रेया ने अंदर जाने का निर्णय किया और उन्होंने मंदिर के भयानक द्वार से अंदर की ओर बढ़ते हुए अजीब सी हवा और चिल्लाहट को महसूस किया। जैसे ही वे मंदिर के अंदर गए, विक्रम को लगा कि कोई उन्हें देख रहा है और उनका पीछा कर रहा है। वह जितना भी डरा हुआ था, उसका डर अब और भी बढ़ गया। श्रेया ने उसे विश्वास दिया और उसके साहस को बढ़ाया और उसने कहा, आज अगर डर गए तो राहुल को हम हमेशा के लिए खो देंगे। मंदिर के अंदर उन्होंने एक चमकता हुआ बोतल देखा। श्रेया ने उसे बोतल खोलने के लिए कहा। जब विक्रम ने बोतल खोली, उसने देखा वहां एक चिट्ठी पड़ा हुआ था। यहां तुम सब मारे जाओगे, चिट्ठी में यह लिखा था। विक्रम ने चिट्ठी को पढ़ा और धीरे से कहा, श्रेया ये कुछ अजीब है, कोई हमें देख रहा है। श्रेया ने भी उसे पढ़ना चाहा, तभी कुछ आवाजें सुनाई दी। यहां से भाग जाओ वरना तुम्हारे दोस्त की तरह तुम्हें भी गायब कर दूंगा और तुम्हें तुम्हारा भगवान भी नहीं बचा पाएगा, क्योंकि इस मंदिर में तो वो है ही नहीं। धुंध सा छाने लगा उनकी आंखों में। श्रेया ने तुरंत सोचा और बुद्धि से काम लिया। उसने भगवान की मूर्ति को उस मंदिर में रख दिया जिस मूर्ति को वो साथ लेकर आई थी। मूर्ति मंदिर में रखते ही मंदिर की घंटियां बजने लगी और तेजी से आंधी चलने लगी। शायद कोई चिल्लाकर तड़पते हुए मंदिर से बाहर भाग रहा हो, ऐसा महसूस हुआ। शायद वो आदमखोर शैतान था जो मंदिर में मूर्ति स्थापित करते ही भाग गया। देखते ही देखते पूरे गांव के लोग इकट्ठे हो गए और राहुल भी सही सलामत उनको मिल गया। तभी श्रेया ने विक्रम से कहा, देखा हमने कैसे बचा लिया सबको। सभी उत्साहित और प्रसन्न थे।
विक्रम और राहुल ने श्रेया से पूछा कि तुम्हें कैसे पता चला कि इस मंदिर में मूर्ति नहीं है। श्रेया ने बताया, देखो सब कुछ ध्यान से समझना, अगर मंदिर में मूर्ति होती तो इसमें बुरा साया कभी प्रवेश नहीं करता। बस तभी पता लगा लिया था कि यहाँ शैतान है, मतलब कि भगवान को अंदर करो और शैतान अपने आप भाग जाएगा, और हुआ भी वही। तो इस प्रकार पूरा गांव मुसीबत से बाहर निकल गया। कैसा लगा कहानी कमेंट कीजिए, और लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलना। धन्यवाद।